Subscribe to iTutorial for more new tutorials and press the bell icon on the YouTube and never miss another updates from iTutorial. Hello guys, welcome to iTutorial and आज हम देखेंगे कि कैसे हम .mdf जो files है उसको हम कैसे खोल सकते या install कर सकते. जैसे कि मैंने download किया है एक file, एक dictionary है Oxford का, तो उसका जो file है installation file वो mdf का बना हुआ है. तो mdf को कैसे हम open करें .mdf file को, ठीक है ना. तो इसके लिए हमको मैजिक आईएसओ चाहिए. तो मैजिक आईएसओ का जो डाउनलोड लिंक है वो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं. तो ये फुल्ली फ्री है, प्रीमियम वर्जन है. तो ये डाउनलोड करने के बाद ऐसा कुछ दिखेगा, इसको एक्सट्रैक्ट कीजिए. ओके, एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं तीन फाइल्स हैं यहाँ पे. ये कि ये तो इसको ज़रूरत नहीं है. तो कैसे आप इंस्टॉल करेंगे ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना. तो जैसे कि इंस्टॉल मैजिक आईएसओ, पहले तो आप आईएसओ को इसको आप इंस्टॉल कीजिए. उसके बाद रन द रजिस्ट्रेशन डॉट आर ई जी फाइल, इसको आप रजिस्ट्रेशन फाइल को उसके बाद चलाइए. तो जैसे कि हमने जाना, तो हमने हमको इसको रन करना है सेटअप फाइल को मैजिक आईएसओ का. जैसे कि जिप फाइल उन रेयर सॉफ्टवेयर से खुलता है, वैसे ही ये डॉट एम डी एफ फाइल जो है वो इस सॉफ्टवेयर से खुलेगा डॉट मैजिक आईएसओ से, ठीक है. तो नेक्स्ट देख सकते हैं ये इंस्टॉल हो रहा है. ओके, फिनिश. इंस्टॉल होने के बाद रजिस्ट्रेशन को क्लिक कीजिए. यस ओके. अच्छा, इसके बाद आप जाइए जिसका आपका जो फाइल्स था, जैसे कि ये फाइल आप देख सकते हैं डॉट एम डी एफ फाइल, तो इसको आपको खोलना पड़ेगा. तो कैसे, मैजिक आईएसओ को जो इंस्टॉल हुआ है उसको आप डबल क्लिक कीजिए. वो फाइल जो है उसको आप खोजना पड़ेगा, आप कौन से ड्राइव में था. मेरा तो डाउनलोड्स पे था, कंप्रेस्ड एंड यहाँ पे डॉट एम डी एफ फाइल को सिलेक्ट कीजिए. तो ये आप देख सकते हैं ये सिलेक्ट होने के बाद ये ऐसा कुछ हो गया, ठीक है ना. तो अब देख सकते हैं सेटअप फाइल जो है वो भी आ गया है, ठीक है ना. उसके बाद आप देख सकते हैं सेटअप फाइल है, तो हमको ये सब एक्सट्रैक्ट करना होगा. तो ऐसे सिलेक्ट कीजिए माउस के द्वारा, सेलेक्ट हो चुका है. अब इस पर राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक के बाद एक्सट्रैक्ट कीजिए. एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप जगह बता दीजिए, प्लेस बता दीजिए जिसमें वो एक्सट्रैक्ट करेगा. जैसे कि मेरा आर एन डी ड्राइव में एक्सट्रैक्ट होगा, उसमें हाँ डी ड्राइव में एक्सट्रैक्ट होगा. तो ओके कर दिया है. ओके, तो आप देख सकते हैं ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है ना. तो एक्सट्रैक्ट होने के बाद आप ये सारा जो फाइल यहाँ पे देख सकते हैं वो फाइल आप वहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हैं. तो ऐसे ही आप डॉट एम डी एफ फाइल को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना. तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से आप वीडियो को रिप्ले करके देखिए, ठीक है ना. उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके मुझको पूछ सकते हैं, ठीक है ना. तो मेरा जो व्हाट्सअप का लिंक है, व्हाट्सअप का जो नंबर है वो मैं दे दूंगा, आप वहाँ से भी पूछ सकते हैं डायरेक्टली. मैं ज़रूर रिप्ले देने की कोशिश करूँगा, ठीक है. तो ये आप देख सकते हैं एक्सट्रैक्ट हो रहा है. उसके बाद मैं दिखा देता हूँ कि आ रहा कि नहीं. जैसे कि मैं जाता हूँ आर एन डी में, तो आप देख सकते हैं ये सब फाइल्स जो है एक्सट्रैक्ट हो रहा है. ये मेरा पहले से ही था फोल्डर्स, फाइल्स जो है वो आ रहा है अभी, ठीक है ना. जैसे आप देख सकते हैं एक्सट्रैक्ट हो रहा है, 0% अभी हुआ है. मतलब कि ये मेरा 4GB या 5G का फाइल है, 5GB का फाइल है, इसलिए ये इतना देर लगाएगा, ठीक है. तो ऐसे ही आप मैजिक आईएसओ को डाउनलोड करके उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जो भी आपका एम डी एफ का फाइल है, ठीक है. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग.